अच्छी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, ह्यूमरस है, अच्छी है। पब्लिक को क्या, जो जो उसने पब्लिक को अवेयर करना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों से बचें। जी हाँ, फिल्म चल जाएगी जी। ऑब्वियस अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग की। 3.5 अच्छी है, अच्छी है, एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग है, यही कहेंगे। जैसे एक तक कॉमेडी मूवी जो होती है बालाजी वालों की, उनकी मूवी में एंटरटेनमेंट होता है, तो एंटरटेनमेंट था। फिल्म थोड़ी बड़े ज़रूरत से ज़्यादा लंबी कर दी गई है, ऐसे शुरू का जो हाफ है बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, सेकंड हाफ में थोड़ी फिल्म मसाला हो गई है। और हाँ, राजकुमार राव दोनों इम्प्रेसिव रहे हैं इसमें, कई को दोहरा 3.5। अच्छी एंटरटेनमेंट की मूवी है, काफ़ी दिनों बाद। और बताया मूवी के अंदर क्या अलग दिखाया गया, ज़्यादा विक्की विक्की का दिखाया गया और नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में सब जगह ये चीज़ें तो अवेलेबल हैं। क्या लगता है मूवी बॉक्स ऑफिस में चल पाएगी? हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया है, चलेगी। 3.5 हाँ, 3.5। नहीं, एक्टिंग तो कई लोगों की अच्छी है, राजकुमार राव की भी बहुत बढ़िया है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर का जो रोल है, हाँ वो लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्टर है। क्या मूवी कैसी लगी आपको? मूवी अच्छी लगी, वन लाइनर्स थे, क्रिस्प वन लाइनर्स थे, और राजकुमार राव और विजय राज को साथ कॉन्सेप्ट ये दिखाया कि जो लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ होती है उसमें बाहर के लोगों को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और अगर कभी कभी ऐसा हो भी जाए तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे हिट हो पाएगी? हिट तो होनी चाहिए। ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस को जरूर कहना चाहूँगा कि देखने आए भाई, विजय राज को देखने हैं, राजकुमार राव को देखने हैं। रेटिंग क्या दोगे ऑडियंस भाई? रेटिंग मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 10। इट वाज गुड, कॉमेडी बहुत अच्छी है। बेस्ट पार्ट क्या था? बेस्ट पार्ट क्या था? बेस्ट पार्ट जब एंट्री होती है शहनाज गिल की, बहुत लोग सरप्राइज होने वाले हैं। बेस्ट पार्ट ये है जब स्त्री की एंट्री हो जाती है सडनली, वो अच्छा एक पार्ट है। सेकंड पार्ट एक्चुअली थर्ड पार्ट है जब दिलेर मेहंदी का गाना आता है। तो ये सारे, मतलब ये तो मैंने आपको हाइलाइट्स बता दिए, बट पूरी फिल्म अगर जब आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है। ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे, देखनी चाहिए नहीं? ज़रूर देखनी चाहिए, अगर आपका जॉनर है मजाकिया, और अगर आप मजाकिया फिल्म देखना चाहते हैं, फैमिली के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वाला सोच रहे हैं कि बहुत अडल्ट बातें करी हुई हैं या ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका जॉनर है एक्शन तो आप जिगरा भी देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी, बहुत अच्छी है, आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हमने अगर अभी देखी है तो हमारा एक मोमेंट भी ऐसा नहीं था कि हम स्क्रीन से आंखें हटा रहे हैं। राजकुमार राव की केमिस्ट्री कैसे की जाती है? फर्स्ट टाइम आए केमिस्ट्री अच्छी है। जब फिल्म स्टार्ट हुई थी फ्रैंकली मुझे अच्छी नहीं लग रही थी कि ये क्या कर रहे हैं दोनों, या दोनों मैच नहीं हो रहे हैं एक साथ, बट जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे ये जोड़ी ज़्यादा चलेगी। 3.5। आई डिडंट लाइक द मूवी एट ऑल, फर्स्ट हाफ वॉज नाइस, सेकेंड हाफ बहुत खींचा हुआ था, देयर वॉज नो म्यूजिक, आई डिडंट कनेक्ट विद द म्यूजिक एट ऑल। स्टोरी अच्छी थी, ह्यूमर अच्छा था यार, इतने अच्छे एक्टर्स, आई डोंट नो व्हाई द फिल्म डिडंट वर्क फॉर मी, इट डिडंट। राजकुमार राव इज एक्चुअली लाइक द न्यू अक्षय कुमार ऑफ द इंडस्ट्री, साल में चार फिल्में आ रही हैं, एंड सेम गोज विद तृप्ति दिमरी, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है दोनों की, स्पेशली मलाइका शरावत है इस फिल्म में, बट नहीं यार नहीं मजा आया, क्योंकि बहुत खिंची हुई फिल्म थी, क्लाइमैक्स हैड नो सिर पैर, बिल्कुल भी सिर पैर नहीं था, तीन क्लाइमैक्स हैं फिल्म के, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रही है, अच्छा अभी एंड हो रही है नहीं हो रही है, तो यू आर जस्ट लॉस्ट इन द फिल्म। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी उसकी, बिल्कुल भी फनी नहीं लगा मुझे वो, इट वॉज ब्लैह, आई डोंट नो व्हाई इट इज देयर।
क्या लगता है बॉक्सर पे हिट हो पाएगी? I don't think so. मतलब it had the potential, it had all the potential कि वो अच्छा कमाती, अच्छा अगर first half मतलब second half I have a question किसी और ने direct किया है क्या? मतलब second half film किसी और ने बनाया है क्या? वरना first half तो बहुत बढ़िया था. तुम को क्या लगा पवन दिखा? मुझे अच्छा लगा वो. हाँ बस मैं last तक survive करके देखूँगा. Two stars. मूवी बहुत बढ़िया थी. मूवी का जो जो प्लॉट है, डायलॉग डिलीवरी है, स्क्रीन प्ले है, म्यूजिक है, म्यूजिक ऑसम है. इसके अलावा जो कॉमेडी है सारा कुछ एक्सलेंट है, कहीं दिक्कत नहीं है. फर्स्ट हाफ लाजवाब एक्सलेंट, और उसके बाद जिस तरह से सेकंड हाफ में जो क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स भी बहुत लाजवाब, मैसेज बहुत बढ़िया, सोशल मैसेज दिया है इन्होंने. जी अरे उनका तो कौवा विरादी का लाजवाब होता है, और जो भी उन्हें करेक्टर मिला है एकदम एक्सलेंट था, उसमें कोई डाउट नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया. जी राजकुमार, राजकुमार तो एक्सलेंट है भाई, उनका उनका कोई जोड़ ही नहीं है.